कांग्रेस नेता अरुण यादव के जरिए पीएम मोदी के पिता पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से सियासत गर्मा गई है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसी बीच इसका रुख कर लेते हैं हम। बालाघाट में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, बेटे ने की बुजुर्ग माता पिता की हत्या। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर जानकारी दे दें कि बेटे ने ही बुजुर्ग माता पिता की हत्या कर दी। धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार दिया गया। हट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम गुनई की यह पूरी वारदात है। आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बेटे ने मामूली बात पर माता पिता की हत्या कर दी। तो बालाघाट से की बड़ी खबर, डबल मर्डर से सनसनी फैल गई और हत्यारा जो निकला है वो बेटा निकला है। बेटे ने ही बुजुर्ग माता पिता की हत्या कर दी। धारदार हथियार से वार किया और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कोई मामूली सी बात थी जिसको लेकर मौत के घाट उतार दिया गया। अपने ही माता पिता को मौत के घाट एक कलयुगी बेटे ने उतार दिया। तो फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। चित्रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्रंजन, घटना सामने आई है, कलयुगी बेटे ने ही अपने धारदार हथियार से माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। क्या जानकारी है, क्या वजह रही इसकी और जब ये वारदात को अंजाम दिया गया क्या आसपास कोई मौजूद नहीं था? निश्चित ही काफी दुखद यह घटना है। यह पूरा मामला हट्टा थाना अंतर्गत गुनई गांव का है, जहां पर कलयुगी बेटे ने एक वृद्ध माँ बाप को धारदार हथियार से सिर पर वार करके मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि यह जो आरोपी है सब्जी बेचने का, अपने गांव में काम करता है। जब वह शाम को आया तो किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पहले उसने अपने बुजुर्ग माँ बाप को एक कमरे में बंद किया और उसके बाद जो गैती होती है वो धारदार हथियार होता है उस पर सिर पर वार करता गया, जिससे पिता की घटना स्थल की मौत हो गई। वहीं जब उनकी माता को जो हॉस्पिटल ले गया, उन्होंने वहां पर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसमें पुलिस ने जो है सरोज को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्या वजह रही, कौन सी ऐसी बात थी कि विवाद इतना बढ़ गया जिसमें उसने अपना आपा खो करके वृद्ध माँ बाप पर इतनी बेरहमी से हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। निश्चित ही यह काफी दुखद घटना है कि जिन माँ बाप ने इतने लाड़ प्यार से पाला था, आखिर वही बेटा उनका हत्यारा निकला। जी बिल्कुल। अब ऐसे में आगे क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है? जी हाँ, हमने पुलिस अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन जो आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, जल्दी खुलासा होगा कि ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि जिसने उसने अपने माँ बाप को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल। क्या आसपास जो लोग मौजूद रहते हैं, जो वहां पर गाँव में रहते हैं लोग, क्या उनकी तरफ से कुछ कहा नहीं गया है कि किस तरीके का इसका नेचर रहा था, इसका लड़के का, बेटे का, और कैसा इसका रहा था? जी हाँ, आपको बता दूं कि यह कल देर शाम की यह पूरी घटना है। और जब उसने अपने माता पिता को कमरे में बंद किया, मार रहा था, तो अचीखे चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन जब तक गांव वाले पहुंचते तब तक वो मतलब घटना को अंजाम दे चुका था। और अभी पुलिस ने जब पूछताछ कर रही है, आजू बाजू वालों से पूछ रही किस तरह का नेचर था, अभी इस तरह की बातें सामने बिल्कुल नहीं आई कि उसका किस तरह से नेचर था या उसने अपना आपा खोकर के इस तरह करा है। ये पूरा जांच का विषय है। ठीक है, तो फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया आपका चित्रंजन। और चलिए इस खबर का अब रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता अरुण यादव के जरिए